दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरीके से मोबाइल से पैसे कमाना चाहते हो, देखो, अगर ऑनलाइन पैसे कमाने थे तो दो तरीके हैं पैसे कमाने के, एक तो यूट्यूब और एक दूसरा वेबसाइट। यूट्यूब पर बहुत मेहनत है, मतलब लाख के ऊपर काम करता है, क्योंकि बहुत लोग, मैंने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनकी फिर भी वीडियो वायरल नहीं होती है, अर्निंग नहीं होती है ज़्यादा। लेकिन एक दूसरा तरीका जो स्मार्ट तरीका है, और मोबाइल से भी वो काम कर सकते हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपने नाम की एक वेबसाइट बनाइए, वहाँ से पैसे कमाइए। तो दोस्तों, मैंने भी जो शुरुआत की थी पैसे कमाने का, वो मैंने अपने मोबाइल से ही शुरुआत की थी, और मोबाइल से ही मैंने एक वेबसाइट बनाई जिससे मुझे इनकम हुई, और आज मैं अच्छे खासा पैसे कमा रहा हूँ दोस्तों। तो मैंने जितना भी शुरुआत किया था, एक छोटे से मोबाइल से शुरुआत किया था, वो मोबाइल है ये दोस्तों, आप देख सकते हो, ये मेरा उसमें 5-6 साल पुराना फ़ोन है, ये LG फ़ोन है और आज भी चल रहा है। ऐसी तो क्वालिटी भी आप देख देखा सकते हो, ये है। मतलब कितना छोटा, ये 10,000 का फ़ोन था, आज मैं इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाया, तो और आज भी ये फ़ोन चल रहा है मेरा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल से अपने नाम की वेबसाइट बनाकर पैसे कैसे कमाएं, और जो वेबसाइट बनाना है वो फ्री है, टोटल फ्री है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं आपको कुछ अर्निंग दिखाऊंगा, ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए अर्निंग दिखा रहा हूँ कि आपको ज्ञान हो जाए। देखो, मेरा जो बैलेंस है 2291 डॉलर है, ये मैं रिफ्रेश एक बार कर देता हूँ, और ये गूगल मुझे पैसे देगा, ये डॉलर है दोस्तों, लगभग में मेरा 2 लाख के ऊपर ये आएगा इनकम। अब लास्ट मंथ का यहाँ पर देखोगे तो 2825 डॉलर ये मेरा 2 लाख के ऊपर इनकम आया था। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग 2 लाख महीने का कमा सकते हो, कमा सकते हो, आने वाले वक्त में कमा सकते हो, लेकिन इस वक्त मैं एक नॉलेज दूंगा जिससे आपकी शुरुआत हो जाएगी 10-20 हज़ार रुपये से, मतलब 10-20 हज़ार रुपये आराम से आप कमा सकते हो घर बैठ कर दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, देखो सिंपल है, अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। सबसे पहले वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, सिंपल है ऑप्शन, वेबसाइट बनाकर पैसे कमाओगे, फ्री है टोटल, अभी गूगल ही देता है आपको, गूगल सब कुछ देगा फ्री में। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर अकाउंट लॉगिन नहीं है तो साइन इन कर लेना है, यहाँ पर अकाउंट साइन इन कर लेंगे तो देख सकते हो अकाउंट लॉगिन हो चुका है ऑटोमेटिक तुरंत है। आप सिंपल से यहाँ पर सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, ब्लॉगर, ब्लॉगर पर वेबसाइट कैसे बनाएं, ब्लॉगर आपको सर्च करना, ब्लॉगर, ठीक है, ब्लॉगर सर्च करेंगे, ये आपकी गूगल की ही वेबसाइट आ जाएगी, ये ब्लॉगर गूगल ने ही बनाया है, और यहाँ पर आप फ्री में वेबसाइट अपने नाम की बना सकते हो। सिंपल से आपको क्या करना है, क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक कर देना है, और यहीं से मेरी सबसे फर्स्ट शुरुआत थी पैसे कमाने का। तो यहाँ पर मैं अपना जीमेल सेलेक्ट कर लूँगा, आपको अपना ही जीमेल सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, तो दोस्तों पासवर्ड मैं डाल देता हूँ, फिर बाद में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया, आपको भी अपना पासवर्ड डाल देना है, और ये एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ईमेल आईडी है वो हमेशा अपने किसी कॉपी में किसी में लिख लीजिएगा, क्योंकि आपने एक बार काम शुरुआत कर दिया तो आप आगे बढ़कर रहोगे, ये मेरी दावा है, ठीक है। अब इसे कट कर देना है, कट कर देने के बाद में आपको यहाँ पर नाम दे देना है, जैसे कि जो नाम से आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो। देखो, मैं मुकेश LPM ब्लॉग लाइव, लाइव मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं गो करता हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी चीज़ लिख सकते हो यहाँ पर। अब उसके बाद में नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपना मतलब जो एड्रेस होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूँ, जैसे mukesh.lpm.com, sairi.lpm.com, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप जो रखोगे वो आपका .com बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा mukesh.lpm लाइव, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये उपलब्ध होगा ना, तो ये देख सकते हो दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। अगर अवेलेबल नहीं होगा, देखो मैं आपको लिख देता हूँ mukesh.lpm ओनली लिखा, तो ये इस तरीके से ऑप्शन आ गया, तो आपको कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर इसमें करना होगा, तभी आगे बढ़ सकते हो। तो मैं लाइव लिख देता हूँ, देखो अगर इस तरीके से आ रहा है, तो सिंपल से आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, या आपकी वेबसाइट का नेम यहाँ पर लिख दीजिए, जो आप नेम लिखना चाहते हो, mukesh.lpm लाइव। आप अपने तरीके से जो रखना चाहते हो दोस्तों वो रख सकते हो, बस इसके पास फिर से फिनिश पर क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट आपके नाम से तैयार हो गई, आपका जो भी नाम है वो आप अपने नाम की वेबसाइट तैयार हो गई। अपने नाम से रखिए, या वो नाम रखिए जो लोग आसानी से सर्च कर सके। जैसे किसी को आप बताना चाहो तो अपनी वेबसाइट का नाम बताइए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि मेरी बहुत सारी वेबसाइट हैं, लगभग मैं 70-80 वेबसाइट हैं, और सारी वेबसाइट रन कर रही हूँ और सब पे मैं पैसे कमा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं mukesh.lpm मैंने लिख दिया,
तो ये मेरी वेबसाइट है mukeshlpm.com। नीचे आएंगे और यहाँ पर कई सारी मेरी वेबसाइट आ जाएंगी, यहाँ पर सारी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये देख सकते हो मेरी वेबसाइट आ चुकी। तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट बनाई है, देख सकते हो मेरे गूगल के ऐड हो रहे हैं, मेरी इनकम हो रही है, यहाँ से अच्छी खासी इनकम होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहीं से मैं पैसे कमाता हूँ ज़्यादा तक। फ़ोन को हिलाओ मत, क्योंकि यहाँ अब दोस्तों देखो आपकी वेबसाइट इस तरीके से, मैं आपको ये एग्जांपल के लिए दिखाया था, आप ये नहीं कि आप सर्च करना है, ये देखो अब आपकी अपनी वेबसाइट का नाम देखना है तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो, आपको यहाँ पर थ्री लाइन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, उसके हमने यहाँ पर विजिट ब्लॉग लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, विजिट ब्लॉग पर क्लिक करेंगे, ये आपकी साइट ये देख सकते हो तैयार हो गई। आप जो यहाँ नाम रखोगे देख सकते हो मुकेश एलपीएम लाइव, और यहाँ पर यूआरएल देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार आएंगे, लिखा है mukeshlpmlive.blogspot.com। तो ये दोस्तों ये जो है ना ब्लॉग स्पॉट, ये गूगल का ही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इससे क्या है गूगल में रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। .com देखो अगर ये हटाना है तो आपको पैसे देने होते हैं, फ्री है फिर भी पैसे कमा रहे हो, पेड होगा तब भी पैसे मिलेंगे, मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको कैसे पैसे मिलेंगे ये चलिए बताता हूँ। देखो सिंपल है, आपको यहाँ पर पोस्ट लिखने होते हैं, लगभग में आपको पोस्ट जो लिखने होते हैं वो आपको 20 से लेकर 30 तक पोस्ट लिखने होते हैं। मैं आपको दिखा दूँ मेरी वेबसाइट में कब लगभग में 70-80 पोस्ट हैं, तब आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। मोबाइल से मैंने आपको बता दिया कि आपके नाम की वेबसाइट बन चुकी है, अब इसमें आप जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। लिखना है अगर कोई पोस्ट लिखना है तो आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर टाइटल लिखना है, मतलब जैसे कि कोई भी आप जैसे पोएम होती है, कोई भी कुछ भी होता है तो उसका एक टाइटल होता है, तो टाइटल यहाँ पे लिखना है, जैसे आप मैं लिखना चाहूँगा हाउ टू मेक ए ब्लॉग फॉर मोबाइल, मोबाइल से ब्लॉग कैसे बनाए, कुछ भी आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ टाइटल हो गया। अब इसके बारे में कैसे बनाया है स्टेप बाय स्टेप बताना है कि सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, उसके बाद में देखो इस प्रकार आपको लिखना, मैं आपको लिख के अगर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आप किसी भी ब्लॉग को देख लीजिए, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ये ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो mukeshlpm.com, ठीक है, मैंने लिखा है इसमें जो ब्लॉग आप देख लीजिए, जैसे हाउ टू फाइंड, इसमें क्या लिखा है हाउ टू फाइंड जॉब वैकेंसी ऐप्स, तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब इसमें मैंने जो वैकेंसी वाले ऐप हैं, जॉब हैं, ये यहाँ पर मैंने लिखा है इसके सबके बारे में, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे सबके बारे में लिखा है कि ये रहा ये ऐप है, यहाँ से आप भी जॉब ढूंढ सकते हो, ये ऐप है यहाँ से भी आप जॉब ढूंढ सकते हो, वेबसाइट होती हैं बहुत सारी जहाँ से आप जॉब ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर जॉब ढूंढने की सारी मैंने वो चीज़ें बताई हैं और उनका लिंक भी दिया है, तो जिसकी वजह से मेरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट की रैंकिंग आई है और यहाँ पर लोग मुझे रेट भी कर रहे हैं, इस प्रकार देख सकते हो मैंने भी रेट कर दिया। तो इस प्रकार से आपके वेबसाइट पर गूगल से सर्च आएंगे और जिससे आपको इनकम होगी, जितना ज़्यादा सर्च आएंगे जितना ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा आपको इनकम होगी फ्रेंड्स। तो जैसे कि यहाँ पर मतलब एक करो, अब जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी लिख के एक पोस्ट कैसे करना है ये भी आपको बता दे। देखो आपने मैंने ब्लॉग बता दिया कि इस प्रकार अब आपको जो भी लिखना चाहते हो, जो भी जैसे कि आपने इस तरह लिखा और फिर बाद में इस तरह किया, जो भी लिखना चाहते हो लिख कर आपने पब्लिश करना चाहते हो तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है, ये देख सकते हो तीर का आइकन है, इस पर का तीर करेंगे और कन्फर्म पर जैसे ही क्लिक करोगे ये आपका पोस्ट गूगल में आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि तुरंत आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप अपनी वेबसाइट पर देख सकते हो। थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, विजिट ब्लॉग पर क्लिक करेंगे, विजिट ब्लॉग पर जैसे क्लिक करोगे ये देख सकते हो ये मैंने क्या लिखा था हाउ टू मेक ए ब्लॉग फॉर मोबाइल, तो मैंने लिख दिया और देख सकते हो मैंने जो नीचे लिखा था वो सारा आ गया। अब आप जो भी लिखोगे इसमें आता जाएगा। और फ्रेंड्स जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, मान लो इसे हमने गलत लिख दिया, इसे एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए सिंपल से आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देख सकते हो ब्लॉग है, इस पर जो भी आप गलत है उससे आप सिंपल से जो भी करना चाहते हो सिलेक्ट करिए या फिर डिलीट कर दीजिए इस प्रकार, और फिर से आप इस पर क्लिक कर देंगे ये सही हो जाएगा। और दूसरी बात होती है बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आप पोस्ट कोई लिखना चाहते हो, मैंने टाइटल लिख दिया हाउ टू मेक मनी अर्न मनी ऐप अर्निंग ऐप्स, ठीक है, आपने कुछ लिखा उसके बाद में थोड़ा सा आपको काम आ गया, आप दूसरा काम करना चाहते हो लेकिन इस ब्लॉग को सेव करना चाहते हो, तो सेव कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे जो थोड़ा सा नीचे आइकन है इस पर क्लिक करेंगे
और सेव पर क्लिक कर देंगे। ये डिफ़ॉल्ट में आपका सेव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये डिफ़ॉल्ट में आपका सेव हो जाएगा। फिर से जाओगे इस पर लिख के आप पब्लिश करना चाहते हो तो यहाँ से पब्लिश कर दीजिएगा, कन्फर्म कर देंगे, ये पब्लिश हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे आएंगे, विजिट पर क्लिक करेंगे और आपको ऐसा वैसा नहीं लिखना है, आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है, रिसर्च करके लिखेंगे। अगर आपने 10 ही पोस्ट लिख दिया आपके वेबसाइट पे तुरंत ट्रैफिक आना शुरू हो गया, मतलब ट्रैफिक देखो, अच्छा कंटेंट लिखोगे, पढ़ने लायक लिखोगे तो लोग आएंगे पढ़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको क्या होगा गूगल के यहाँ पर देखो जो लोग आएंगे यहाँ पर आपको एक लोग देख सकते हो, अभी मैंने ही गया था तो एक लोग यहाँ पर आपको दिख गए, आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने को मिल जाएंगे, तब आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको बता देता हूँ, सिंपल से आपको न्यू टैब ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, गूगल एडसेंस, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये गूगल एडसेंस क्या है, तो ये दोस्तों गूगल का ही है, यहाँ से आपकी वेबसाइट का अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल का मतलब आपकी वेबसाइट पे ऐड दिखना शुरू हो जाएंगे। अभी तो मेरी वेबसाइट पे ऐड दिख नहीं रहे तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आपको काम करना है, आप अगर काम करते हैं अप्रूवल मिल गया। अब दोस्तों एक दो ऑप्शन स्टेप है, अगर आपने एक दिन में जितने भी पोस्ट लिख दिया और दूसरे दिन आपको अप्रूवल मिल गया तो आप तुरंत उसे सेल कर सकते हो, 6,000, 7,000, 8,000 में तुरंत सेल कर सकते हो। तो मैंने आपने एक या एक हफ्ते में 8,000 रुपये कमा लिया, आपने इस प्रकार से 10 वेबसाइट पर काम करिए इसी प्रकार, ठीक है, अलग अलग डोमेन बनाकर 10 वेबसाइट पर पोस्ट लिखिए, 30 पोस्ट कम से कम होने चाहिए, मैं आपको बता दूं जल्दी अप्रूवल मिल जाता है, 30 पोस्ट कम से कम होना चाहिए। अगर आपने 30 पोस्ट लिख दिए 10 वेबसाइट पर और 10 वेबसाइट को अप्लाई कर दिया एडसेंस के, तो अगर आपकी 5 वेबसाइट डिसअप्रूव हो गई, मतलब रिप्लाई दोबारा कर सकते हो, और 5 वेबसाइट अप्रूव हो गए, तो आपकी मतलब एक वेबसाइट का पैसा आपको 8,000 रुपये मिलेगा, 5 वेबसाइट का आप जोड़ लीजिए। तो इस प्रकार से आप उससे गूगल से भी पैसे कमा सकते हो, अपनी वेबसाइट को बेच कर भी पैसे कमा सकते हो, तो बहुत ज़्यादा इसमें इनकम है, इतना ज़्यादा इनकम है कि मैं आपको क्या मैं बताऊँ। तो दोस्तों मैंने भी इसी प्रकार शुरुआत किया था इसी प्रकार, और एडसेंस की वीडियो आप मैं दूसरी देखो एडसेंस को क्या करना है, देखो सबसे पहले पोस्ट तो है नहीं, तुरंत डिसअप्रूव हो जाएगा, तो मैं अप्लाई भी नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, देखो यहाँ पर अर्निंग आपको दिख जाएगा, तो जहाँ पर जैसे क्रिएट योर अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली आप क्रिएट कर सकते हो, कोई झंझट ही नहीं है। तो मैंने इस वीडियो में सोचा कि आप लोग को बता दिया जाए कि अपने नाम की वेबसाइट कैसे बनाए। देखो ये जानकारी आपको पूरे यूट्यूब में नहीं दिया जाएगा, मैं आपको बता दूँ मैंने सर्च किया है, खुद सर्च किया, ये जानकारी जो ये मैंने जानकारी दी, आप एक वेबसाइट पे काम ना करिए, आप 10 वेबसाइट पे काम करिए, 10 वेबसाइट का अप्लाई करिए, 5 वेबसाइट का अप्रूवल मिलेगा, 5 वेबसाइट में से अगर आप सेल कर दोगे ना तो आप कितना बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे, और लोग ऐसे पैसे कमा रहे हैं, इसमें कोई भी एक रुपये मैंने इसमें कहीं पर एक रुपये का खर्चा नहीं है, एक रुपये का भाई खर्चा नहीं है। और अगर आपका अप्रूवल मिल गया, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रही और आप गूगल से ही पैसे कमाना चाहते हो, तो मैंने बहुत सारी इसके लिए वीडियो बनाई है, बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी वीडियो आप देखिएगा अगर आपको मतलब हमारी वीडियो पसंद आ रही हो। क्योंकि भाई देखो मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता हूँ, जो सत्य बात है वही बताता हूँ। तो लोकस टेक्निकल, ठीक है, आपको ये वीडियो देखना चाहिए जो ये देख सकते हो, गूगल से पैसे कैसे कमाएं, ट्रैफिक कैसे अपनी वेबसाइट पे लाएं, मतलब ट्रैफिक अगर नहीं आ रही तो ट्रैफिक कैसे लाएं, इसमें मैंने बताया है। आप रोज़ाना $100 कमा सकते हो और कम से कम पैसों में, देख ठीक है दोस्तों। तो आप इन सब वीडियो को देखिएगा, और मैंने मोबाइल से ही शुरुआत की थी, आप भी शुरुआत करिए, आज ही शुरुआत करिए, ये नहीं कि आपने कल शुरुआत करेंगे भाई, कल वीडियो बनाए मतलब कल ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे, भाई आज बनाइए, लोगों को भेजिए कि देखिए मैंने आज वेबसाइट बनाई, आज आपने वेबसाइट बनाई है तो कल आप पैसे भी कमाओगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट का जरूर रिप्लाई देता हूँ आप, और वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, उनको भी ये ज्ञान प्राप्त हो, उनको भी नॉलेज हो, वो आपको नॉलेज देंगे और आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। शेयर करने से आपका ही फायदा होगा, क्योंकि वो जो सीख सकते हैं वो तुम्हें सिखा देंगे, और जो तुम सीख सकते हो उन्हें बता दोगे, तो आपस में एक दूसरे से मतलब ज्ञान बढ़ता बढ़ता रहता है, ज्ञान ज्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।